देखिए आज हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे। हॉरोस्कोप लगाओ, उसको पहले देखो नाड़ी से, फिर देखो वैदिक से। कौन लगाएगा हॉरोस्कोप सबसे पहले? कौन लगाएगा? घर सिंह जी हॉरोस्कोप लगाओ कोई। सर लगाते हैं सर। पहले नाड़ी से देखेंगे, फिर उसको वैदिक से देखेंगे, या पहले वैदिक से देखो फिर नाड़ी से देखो, कैसे करना है बताओ। आपको फ्यूजन एस्ट्रोलॉजी बनानी है, दोनों को मिला के करना है काम। इसका फायदा ये है कि दोनों को मिलाओ आपस में। शेयर मैं करूंगा सर? आप करो, कोई बात नहीं, किसी सब्जेक्ट में भी करो, आपके सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, किसी एक सब्जेक्ट में भी करो आप। सर आप ही शेयर करो, मैं डेट ऑफ बर्थ देता हूँ। चलो ठीक है, ओके। अभी जितने हमारे पीरियड रह गए हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस काम आती है। आप बताइए जी। सर 6/10/2001। नाम बताए, नाम। उद्भव सिंह है जी। उद्भव UDBHAV। उद्भव ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। उद्भव बी बी से होगा? हाँ जी, बी फॉर बॉम्बे। उद्भव ठीक हो गया जी। हाँ जी उद्भव सिंह। आगे डेट ऑफ बर्थ सर 6/10/2001। ये आपके साहबजादे हैं? हाँ जी सर 16/25। डेट ऑफ बर्थ जम्मू? हाँ जी सर। जम्मू के साथ क्या आता है? जम्मू प्रॉपर नहीं आता सर, जम्मू नहीं आता। जहाँ बिश्ना लिख लीजिए, BISHNAH। ये कितनी दूर है जी? 10 किलोमीटर दूर है जहाँ से बर्थ हुआ बिश्ना। ठीक है, देखो गर्सी जी 11 लग्न की पत्री है। हाँ जी सर। मंगल केतु के साथ बैठा है, सीधी इंजीनियर की कुंडली है। दसवां सर शेयर कर दी। हाँ जी, हाँ जी हो रही है। हाँ जी सर हो रही है शेयर। सर आज आपका डाउन है, आज कॉफी को चाय पी के इसको सीधा करो। ठीक है सर। चलिए आगे, दशा मंगल की चल रही है सर। हाँ जी सर। तो आप बोलते इसका इसकी इंजीनियरिंग हो गई है, तो आपने बता ही रखा है पैक में हुई है। अभी सेकंड ईयर में है सर। ये हो जाएगी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मंगल के पास देखो 4/9/11 पूरा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो ऐसा 3/3/4/9/11 भी है, बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। केतु के साथ बैठा, हाईली प्रिसाइज इक्विपमेंट का इसको चलाने का मौका मिलेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से इन डेप्थ काम करेगा। आगे मंगल में मून चल रहा है, उसके बाद राहु की दशा आने वाली है, हो सकता है इसका पूरा पूरा ध्यान जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाए, और या फिर ये मशीनरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, जैसे CNC मशीनों के लिए होता है, प्लेन के लिए होता है, रॉकेट के लिए होता है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी बना सकता है ये। उस तरीके से कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है ये? सर ये कर रहा है मटेरियल एंड मेटल साइंस में। अच्छा, आगे जाके इसको अच्छा डेवलप कर सकता है ये लाइन। मंगल है ना, देखो मेटल साइंस तो है, मैकेनिकल टाइप। क्या पूछना चाहते हैं इसके लिए? देखिए आप वैदिक से देखो ना, देखो इसको सब तरफ से देखो, इसको सब तरफ से देखो कुंडली को। अब आप प्रोफेशन के लिए आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो विशाल 2 में आपने प्रोफेशन डिटेल भी कर लिया है, नाड़ी में भी कर लिया है, और नाड़ी 2 में भी कर लिया है। अब आपको जरूरत है इसको
सर जैसे जी प्रोफेशन के लिए पूछता है ना कि मुझे आगे एमबीए करनी चाहिए, क्या इंडिया में करूंगा या फॉरेन में करूंगा, वो कैसे देखना? बड़ा सिंपल देखो, जैसे इसी के बारे में बात करते हैं, मंगल की दशा है, 3, 4, 9, 12 बोला है, लेकिन अभी इसकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी जब मंगल की दशा खत्म हो जाएगी। हाँ जी, 30-6 को इसकी मंगल की दशा खत्म हो रही है, उसके बाद राहु की आ रही है, राहु भी आ रहा है 3, 4, 11 आ रहा है, 12 तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है टिंच, अब इसको जब ऐसा नहीं देखते तो प्रश्न बाहर की बार आती है, तो चौथे घर का स्वामी दोनों देखने पड़ते हैं। चौथे घर में सैटर्न बैठा है, पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, कोई बात नहीं, ही कैन गो अब्रॉड जी, क्योंकि चौथा घर जब पीड़ित होता है, चौथे घर का स्वामी पीड़ित होता है, तो इंसान बाहर जा सकता है। चौथे घर का स्वामी केतु से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, और जो है ये चौथा घर वो सैटर्न से पीड़ित है, ठीक है जी, इसलिए बाहर जाने की कोई बात नहीं है। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। यहाँ पे सर फोर्थ हाउस में जो लगन लॉर्ड है वो मतलब एज ए लगन लॉर्ड सैटर्न आया फोर्थ में, हाँ जी, तो फिर चांसेस कम नहीं कर देगा? देखिए आप इधर लगन लॉर्ड देख रहे हैं, 12वें का स्वामी भी तो है लगन लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी सर, सिद्धार्थ जी वो नहीं देखा आपने कि 12वें का स्वामी भी तो है, तो 12वें का स्वामी हो गया, बाहर से पैसे कमा के माता को भेजने हैं। अब ये बात है कि ये बाहर से पैसे कमा के भेजेगा भी सर? हाँ जी, बट इस केस में जैसे इनका क्वेश्चन एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो राहु के पास 9 तो नहीं है? राहु देखो मैं वही बोला ना, देखिए मैंने आपको वही बोला है कि जहां पे कई बार नाड़ी रुकती है तो वैदिक से सहारा लेना है, जब वैदिक रुकती है वहां से नाड़ी से सहारा लेना है, तो यही तो मैं आपको इस सारे सेशन में मैंने करवाया क्या है, मैंने आपको दोनों तरफ से ट्रेंड किया है कि जहां वैदिक धोखा खा रही है वहां से नाड़ी से सहारा लो, जहां नाड़ी धोखा खा रही है तो आपको वहां से सहारा लेना पड़ेगा वैदिक से। देखिए आपको पता है कि ही इज ऑलरेडी टेकन हायर एजुकेशन, ठीक है जी, आपको पता है कि लड़का समझदार है, लड़का इंटेलिजेंट है, 4, 9, 11 इसके पास पढ़ा है, और अब यदि आप देखते हैं कि दशा बदलने वाली है और 9, 11 खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब यदि हम अकेली नाड़ी में बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चा पढ़ाई छोड़ के आ जाएगा घर, लेकिन उसी समय हमें देखना है कि लगन का स्वामी, अब वैदिक का सहारा लेना पड़ेगा, करना क्या है, मंगल 10वें घर का स्वामी है, केतु के साथ बैठा है, इसने हाईली प्रिसाइज इंजीनियरिंग करनी है, जरूरी है, केतु नारायण बाप कसम में भी यही बैठा है, और मंगल 11वें घर में फिर वहां बैठा है, तो अब क्या देखना है हमने, फोर्थ हाउस पे आ जाओ, नैना भाव चरित में यहाँ राहु बैठा है, और जब D1 की बात करते हैं तो यहाँ पे सैटर्न बैठा है, और सैटर्न जो बैठा है वो 12वें घर का स्वामी है, लगन का स्वामी और 12वें घर का स्वामी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसको हायर एजुकेशन लेनी है, और उसको हायर एजुकेशन लेके बाहर जाना है। जो आने वाला दशा स्वामी है राहु है, वो राहु 5वें घर में आ गया और यहाँ पे 4थे घर में आ गया, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो उसमें 9 की कमी आपको असर रही है, 100% ठीक है, इसमें मैं गलत नहीं कहता, लेकिन हमें देश काल पात्र के हिसाब से देखना है, जो बंदा पैक में इंजीनियरिंग कर रहा है, जो पढ़ने के लिए तेज है, वो एजुकेशन छोड़ेगा तो नहीं। दूसरी बात उसका 12वें घर का स्वामी 4थे घर में बैठा है और वो सैटर्न है, लगन का स्वामी 12वें घर का स्वामी, उसको मतलब बाहर जाना है, लड़के ने बाहर चला जाएगा लड़का, और राहु की दिशा भी उसको बाहर भेज रही है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, राहु की दिशा भी बाहर भेज रही है, राहु आ गया 9वें 4थे घर में। हाँ जी सर, वैसे भी राहु अपने आप में भी फॉरेन चीजों का कारक है ना, जो दशा स्वामी भी होगा राहु, बिल्कुल फॉरेन का कारक है। हाँ जी,
पर सर जैसे आपने अभी समझाया तो एक तो यहाँ पे बर्थ चार्ट है और नारायण भाव चलित है, तो वी आर सेइंग कि ये जो फोर्थ हाउस में जब हम राहु को कंसिडर करें, जैसे हम कह रहे हैं कि राहु की दशा स्टार्ट होगी मार्स के बाद, तो जैसे भाव चलित चार्ट में राहु फोर्थ हाउस में है, है ना, और जब हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं तो सर ये फिफ्थ हाउस में है, तो हमने नारायण भाव चलित वाला ही कंसिडर करना ना इस केस में प्रिसाइज। दोनों कंसिडर करो, देखिए नारायण भाव चलित हम ले रहे हैं नाड़ी को मान के ले रहे हैं, जो वैदिक साइंस है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी सिंपल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसको हम D1 ले रहे हैं। आपको दोनों को पैरेलल लेके फ्यूजन एस्ट्रोलॉजी बनानी है, तो हमने देखना है कि कारका भाव है जो हमारा दसवें घर का स्वामी है वो मंगल है, ग्यारहवें घर में आ गया और केतु के साथ बैठा है, इसका मतलब इज बॉर्न टू डू इंजीनियरिंग, ठीक है। राहु की दशा उसको सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट बनाएगी। मैंने क्यों बोला कि हो सकता है ये जहाजों के लिए, हो सकता है मशीनरी के लिए, हो सकता है बड़े बड़े कामों के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन करे, और उसके बाद एरोप्लेन्स वगैरह भी हो सकते हैं सर, कुछ भी हो सकता है, एरोनॉटिक्स, बिल्कुल एरोनॉटिक्स के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये लड़का हायर एजुकेशन तो इसके पास है, लेकिन अब चौथा घर पीड़ित है, नाड़ी बोलती है ये बाहर, नाड़ी भी इसको तीन और चार बोल रही है, तीन चार बोल रही है लेकिन बारह क्लियर नहीं दे रही है। हाँ जी, हाँ जी, तीन चार बोल रही है, बारह क्लियर नहीं दे रही है, और जब तीन चार के साथ तीन आ रहा है इसका मतलब बाहर तो जाना बनता है। राहु का नक्षत्र जो मंगल है वो भी 3-10-11 बोल रहा है और मून जो है 3-6 बोल रहा है, इसका मतलब ये पढ़ने के लिए भी बाहर जा सकता है और जॉब करने के लिए भी बाहर जा सकता है। राहु की दशा 18 साल की है तो इसको बाहर में सेटल कर रही है, ठीक है सर। इसमें D10 को भी कंसीडर करेंगे प्रोफेशन का देखने के लिए साथ में कि बाहर D10 भी करते हैं लोग अभी, हेलो अभी एक मिनट लो सर, तो इसमें भी हम कह रहे हैं कि जैसे 3-4 भी आ रहा है तो 3 इज अवे फ्रॉम होम और हम वैदिक से कह रहे हैं कि अवे फ्रॉम इसमें तो है, अवे फ्रॉम तो अभी भी है, मंगल में इंजीनियरिंग कर रहा है, अवे फ्रॉम होम ही है। हाँ जी, और इसमें क्योंकि फोर्थ हाउस रिफ्लेक्टेड है और मतलब हमें ये चाहिए कि बाहर जाने के लिए, बाहर तो फोर्थ हाउस। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखो यहाँ पे आप देख लो कि अभी जो दसवें घर का स्वामी है ये 7th हाउस में बैठा है, ये भी इंटरनेशनल हाउस है, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसको दसवें घर के स्वामी को राहु देख रहा है, राहु देख रहा है पांचवी दृष्टि से, अफ्लिक्ट कर रहा है कि इसका मतलब ये भी राहु के साथ संबंधित है, ठीक है। अब यदि यहाँ का 10th लॉर्ड देख लें, मंगल जो है, मंगल दूसरे घर में बैठा है, मंगल दूसरे घर में बैठा है, ये जरूर है कि मंगल को कोई अफ्लिक्शन नहीं आ रही है, और जो यहाँ दसवें घर का स्वामी है, और यदि हम लग्न के स्वामी को इसमें तो मंगल का मतलब ये नहीं होगा कि वो पैसा ज्यादा लेके आएगा, पैसा ज्यादा कमाएगा, बढ़िया कमाएगा, मंगल से इंजीनियरिंग से पैसा कमाएगा, बढ़िया कमाएगा, ये भी हम कहेंगे। ग्यारहवें घर का स्वामी भी तो है ना, ग्यारहवें घर का स्वामी भी है, यस सर, इसलिए इसको ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तभी आपको नाड़ी के साथ वैदिक क्यों करवाया है, नाड़ी के साथ वैदिक करवाने का मतलब ये है कि हम कई जगह, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि देखिए जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए मशहूर टीचर हैं मिस्टर उमंग त्रिजा जी, वो तो बात करते हैं, वो तो ये कहेंगे कि इसमें 9 नहीं है तो ये बंदा हायर एजुकेशन लेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये कॉलेज छोड़ के बाहर आ जाएगा। 36 तो सामने आ गई, 36 को कॉलेज छोड़ के थोड़ा वापस आ जाएगा कि दोबारा मैं जाऊंगा नहीं चंडीगढ़, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं है। सर्कमस्टेंसेस भी तो बन सकते हैं ना कि अचानक कोई चेंज हो, तो उसका कैसे पता चलेगा। मैं देखता उसके लिए ना बुरा वक्त भी तो होना चाहिए बंदे का, आपको मैंने पढ़ाया है बैड टाइम इन प्रोफेशन, राइट सर, ना वो भी तो बुरा वक्त भी आना चाहिए ना, यहाँ तो कोई बुरा वक्त दिखाई नहीं देता ना जी, भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो, यहाँ तो बुरा वक्त दिखाई नहीं दे रहा कोई। राहु के पास पार्क आ रहा है 5-9 पे, 5 और 11 पे आ रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहां पे बुरा वक्त कोई दिखाई देता है,
ठीक है ना जी, जो राहु केतु का स्पार्क आ रहा है अभी आने ही वाला है, इसके बाद आएगा ना, तो निकल चुका है राहु केतु का स्पार्क, तो निकल चुका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे इनका तो जैसे घर सिंह जी का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि जैसे इनको हायर एजुकेशन के लिए वो पूछ रहे हैं इनके जो भी ये है नेटिव जिनका चार्ट लगा है, सो सर अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर कंसर्न ना बताया होता तो हम अगर नाड़ी से भी देखते तो इसमें 10-11 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जॉब करने के लिए बाहर जाएंगे नहीं बाहर जाने के लिए, ये तो मैंने वैसे पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया, इन्होंने कुछ नहीं पूछा बाहर जाने के लिए, इनको तो नहीं सर पूछा था, इनका अपना बेटा है इसलिए उनका कंसर्न है हर तरफ के लिए। हाँ जी वो एक्चुअली क्वेश्चन ही ये था कि वो बाहर जाना चाहता पढ़ने के वो लिए, वो जाएगा चढ़ जाएगा जी, आपने देख आपको मैंने देखा जहाँ नाड़ी बाहर नहीं भेज रही है, लेकिन चार के साथ तीन है, देखो तीन 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 राहु में भी है, राहु के अंदर मंगल है, मंगल के नक्षत्र में राहु तो भी है, चंद्रमा के सब में राहु वहां भी है, तीन 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 पड़ा है बहुत बड़ी तरह, 3-6-11 बाहर जाके घर से दूर जाके इसने जॉब करनी है, अब यहाँ पे 9 नहीं है 12 नहीं है तो इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, हम इसकी पूर्ति करेंगे अगर फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड इज रिलेटेड, यदि ऐसा होता है तो हमारी जो पूर्ति हो जाती है यहाँ फोर्थ लॉर्ड। इसका मतलब हमें कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले नाड़ी के बेस पे वैदिक जरूर देखना चाहिए, बिल्कुल वैदिक जितने आपके पास टूल है सारे अप्लाई करने चाहिए, आपको CIL आ गया वो भी देख लेना चाहिए, देखो इतना समय हम लोगों के लिए नहीं लगा सकते यदि कि हम CIL भी करें नाड़ी भी करें वैदिक भी करें तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब कोई आपका क्लाइंट सीरियस है जो अच्छे पैसे दे रहा है, कोई आपका अपना बेटा है अपना भाई बंधु है दोस्त है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं उसके लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके सारे आपके जितने टूल है सब कर लेने चाहिए, ये जो इसको अभी मैं यदि भृगु नदी नाड़ी लगाऊं तो वो बताती है कि बाहर जाते हैं, तो भृगु नदी नाड़ी में ऐसे टूल है, लाल किताब भृगु नदी नाड़ी के कुछ रूल से बनी हुई है, जो लाल किताब बनी है भृगु नदी नाड़ी से बनी है, इसका मैं आपको प्रमाण भी दूंगा कि ये लाल किताब के जो फार्मूले हैं भृगु नदी नाड़ी से मिलते जुलते हैं, ये वहां से बनी हुई है, तो पहले हम लाल किताब पढ़ी है हमने बहुत, लेकिन जब भृगु नदी नाड़ी के बारे में स्टडी किया तो बोला देखने में आया कि ये चीज तो वही से बनी हुई है भृगु नदी नाड़ी से। लो अब और देख लो क्या है, आपने KP कर रखी है, देखो फोर्थ कस्पल सब सब लॉर्ड कौन है जी, राहु। दशा किसकी चल रही है आने वाली है, राहु की आएगी, राहु की। अब राहु और, की और कुछ रहता है दिमाग में जो पूछना है आपने, ये सारी सारी चीजें क्लियर होती हैं, क्लियर हो रही हैं आपको, एक दूसरे का साथ मिल रहा है सारी चीजों को, जो भी आपने पढ़ा है जितनी भी आपको नॉलेज है उसमें सबको एक साथ है। चंद्रमा देखो फर्स्ट हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा है, चंद्रमा देखो सैटर्न से अफ्लिक्टेड है, मानते हैं आप, और भाव दलित में भी सैटर्न से अफ्लिक्टेड है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो भी लिखा है वो ठीक लिखा है, ये इसी को हमें सीखना है, आपने इसी को सीखना है कि हम कैसे बात करें कैसे ये हम इसको आगे बढ़ाएं, नाड़ी को कैसे लगाना है मैकेनिकल सिस्टम में आके, वैदिक को प्राचरी सिस्टम से निकाल के उसमें से कैसे चीजें निकालनी है, ताकि आपको बोलने का साहस बढ़े, मेरा कहने का मतलब ये है। घर सिंह जी आपको क्लैरिटी होगी ये बात की, हाँ जी सर क्लैरिटी हो गई है सर, अगर ये मून से अफ्लिक्शन नहीं हो तो मतलब मदर को साथ लेके जाएगा, मदर से दूर नहीं होएगा तो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए फोर्थ हाउस जो है वो अफ्लिक्शन होना चाहिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्शन होना चाहिए, तो ये बात बाहर जाने के लिए है, चंद्रमा कार का ले लिया मदर के स्थान का तो उसको भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो KP का फार्मूला है वो वहां पे आपने लगाया, वैदिक के फार्मूले में ये था, जो नाड़ी का फार्मूला यहाँ पे काम नहीं प्रॉपर आ रहा, नाड़ी का फार्मूला हमारे काम इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे 9 मिसिंग है यहाँ पे 12 मिसिंग है,
लेकिन उसको मैं बताता हूँ उसको कैसे, इसको भी ये जन्म पत्री को CIL में लगा के इसका शोधन किया जाए, आ जाएंगे वो। बोलो बोलो, क्या नाम है आपका? नमन, NAMAN। नमन की हॉरोस्कोप लगनी है? हाँ जी सर। ओके बेटे आगे चलो, लड़का तो लड़की बर्थ है 24/12 लड़का 1990 लड़का लड़का है सर। अच्छा 24/12 1990 जी 2:10 मॉर्निंग AM। अब आपको समझ आ गई ना हमें वैद्य की जरूरत पड़ती है नाड़ी में सर, पर हमने ना वो इंटरलिंक CIL वगैरह तो किया नहीं हुआ। वो चलो वो भी कर रहा, आपको उसको छोड़ दो एक साइंस को, आपको इस वैदिक तो किया हुआ है ना जी सर, आपको ये समझ आ गई वैदिक की जरूरत पड़ती है नाड़ी में। हाँ सर वो तो दोनों का देख के ही करेक्ट आ रहा है सर, दोनों का देख के। प्लेस है सर कानपुर। उमंग तेजा जी जो बताते हैं एक्सेलरेटेड बात करते हैं, वो बोलता है ये वैदिक क्या होती है, मंगल क्या होता है, मंगल लीक करता है, क्या होता है, मंगलिक को देखना ही पड़ेगा। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमारा जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यही है कि वो नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेइज्जती करते हैं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके बिना वो बेस है, उसकी अंदर से सब कुछ निकला हुआ है, इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर सबसे पहले तो वैदिक ही आया था ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, और इसलिए मैं मेरे पर्सनल राय है कि उसको इग्नोर ना करो, लेकिन ये मेरा पर्सनल है, यदि आपको अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो मत मानो। नहीं सर, इवन जैसे पुराण वगैरह पढ़ती हूँ मैं तो उसमें भी देखती हूँ, जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो वो बहुत सारे रेफरेंसेस एंड उसके कोरिलेशंस मिलते हैं सर पौराणिक उसमें। ठीक है जी, आ देखियो जी। हाँ जी, ये नमन जो है, हाँ जी ये 90 बॉर्न है, इसका मतलब इसके 31 साल की उम्र होगी जी। जी सर बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। 31 में चल रहा है ये जी सर। सर इसमें अगर हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ चेंज ऑफ जॉब देखना हो तो कैसे देखेंगे? बड़ा ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। टाइम ऑफ चेंज ऑफ जॉब इसका मतलब एक स्टेटस छूटेगा दूसरा स्टेटस मिलेगा, खत्म। जी सर। उसमें क्या होता है, कई बार इंसान आउट ऑफ सफोकेशन इन द जॉब छोड़ता है, एनवायरमेंटल सफोकेशन होती है या सैलरी की सफोकेशन होती है, दूसरी जगह अच्छी मिलती है, या जहां पे वो काम करता है साथ के कुलीग अच्छे नहीं होते, बॉस अच्छा नहीं होता इसलिए छोड़ता है, या कई बार प्रमोशन के लिए छोड़ देता है, यहाँ प्रमोशन हो रही दूसरी जगह जंप मिल रहा है, प्रमोशन भी अच्छी मिल रही है। तो आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में बच्चों का ट्रेंड है ना छोड़ना। देखिए रीजन तो रीजन तो यही होते ना, ये तीन रीजन होते हैं। मेरे को ये लगता है दो साल हो गए, 3 साल हो गए, नाउ द टाइम टू चेंज। चलो ठीक है, लेकिन सर ये ग्रह एक ही होते हैं, ग्रह मैं बता, ग्रह सुन लो आप सर। हाँ देखिए जॉब का स्थान होता है 6, राइट सर, उसका 12वां क्या होता है 5, उसके बाद ये मैं आपको ले लेता हूँ केतु के फर्स्ट 5, मेरा खाली मेरे खाली एक सबका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा, मैं आपका आपको बेसिकली समझा देता हूँ कॉल पे। वर्क का जो स्थान होता है, प्लेस ऑफ वर्क, दिखाई दे रहा है सर? ब्लैंक सर, नहीं नहीं सर, विजिबल है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपका। हाँ जी सर, ठीक है सर। 6, इसका जो 12वां हो गया वो हो गया 5, फिफ्थ हाउस, ठीक है जी। और हाँ जी सर,
जो आपका स्टेटस है, स्टेटस स्टेटस ऑफ जॉब वो टेंथ है, इसका बारहवां हो गया नौ, ठीक है जी। और ये तो दो बातें तो है कि दशा लॉर्ड शुड बी शुड इंडिकेट 5-9 हाँ ओके। ये न्यू स्टेटस है, न्यू स्टेटस या चेंज चेंज स्टेटस, ठीक है चेंज स्टेटस। चलिए मेरे मतलब सन इन लॉ का है हॉरोस्कोप तो ही इज ट्राइंग टू चेंज। अभी आप सुन लो बेटे, अभी आप सुनो, ये है चेंज ऑफ प्लेस है, सफोकेशन इन एग्जिस्टिंग जॉब भी है ये सर, सफोकेशन एट वर्क प्लेस, ठीक है जी। हाँ जी सर। अब बात क्या होती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे पांच हो, यहाँ जरूरी नहीं है नौ पे हो, यदि गोचर में नाइन्थ हाउस पे कोई सेपरेट प्लैनेट चल रहा हो या पांचवें घर में सेपरेट प्लैनेट चल रहा हो, दूसरा हो तो चलेगा काम, समझे मेरी बात। सपोज करो एक हॉरोस्कोप है, जैसे इसी की हॉरोस्कोप लेते हैं, इसी की हॉरोस्कोप है, जैसे आप ये ले लो कि अभी ट्रांजिट लेते हैं, अभी जो इसका हॉरोस्कोप है सैटर्न चल रहा है, देखिए सैटर्न में पांच है, ठीक है जी, सैटर्न में पांच छह के साथ आ गया ना, इसका मतलब क्या है, ये चेंज चाहता है, ठीक है yes, समझ आ गई मेरी बात। अब जुपिटर है, जुपिटर के पास पांच नौ भी आ गया, ठीक है जी, तो इसका मतलब इसको दूसरी जगह काम ऑफर, काम दिखाई भी पड़ रहा है कहीं, ग्यारह होता तो इसको ऑफर आती, अब पांच और नौ है तो इसको अंदाजा है कि दूसरी जगह मुझे आराम से नौकरी मिल जाएगी, समझे मेरी बात, समझ रहे हैं आप। जी 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 सर। हाँ सर, अभी बारह भी आ रहा है तो मतलब इसका कोई फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है। हाँ तीन और बारह है तो फॉरेन की बात भी हो सकती है, ठीक है। और अब बात अगली सुनो, जो मैं आपको मेन क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यदि इसको ट्रांजिट में लगाएं, इसका ट्रांजिट इसको लगाते हैं, तो इसका जो यहाँ पे आठवें स्थान पे काफी ज्यादा चल रहा है, सिस्टम खराब है। नौवा भी देखो मंगल की अफ्लिक्शन है, नौवे की भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे गोचर ले लो, चाहे वैदिक ले लो, चाहे वो ले लो, बराबर ही चल रहा है। जो ये बृहस्पति इसका मालिक है जो सर, हाँ जी सर, एक मिनट ये ट्रांजिट वाला समझाना, मेरे थोड़ी लेट आया था ट्रांजिट चार्ट डिस्प्ले में ना ये सर, हम लोग मैं समझाता हूँ बेटे, यदि आपको पांच और नौ हॉरोस्कोप में दिखाई नहीं देता, इसके तो है दिखाई दे रहा है, यदि आपकी हॉरोस्कोप में इसको दिखाई नहीं देता तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि जिस समय आपके पास नेटिव आता है उसकी हॉरोस्कोप के छठे स्थान पे कोई ग्रह चल रहा है मैलिफिक, ठीक है सर, तो इसका मतलब वो या छठे के मालिक के ऊपर से चल रहा है, इसका मतलब वो उसको सफोकेट कर रहा है, ठीक है सर। अब यदि यदि नौवे घर पे भी चल रहा है, इसका मतलब वो नई चेंज चाहता है और इसलिए वो काम अब मिलेगा कब, यदि दशा में 11 होता है तो आगे ऑफर दिखती है, मिल जाती है, उसको ऐसा मिलेगा। जब 5 और 9 होते हैं वो चेंज करना चाहता है, हर हालत में चेंज करना चाहता है, और लेकिन उसको अभी रास्ता नहीं मिल रहा, यदि 12 है तो समझ लो रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है जी। तो अभी अभी उसके पास क्लैरिटी नहीं है कि मैंने कहां छोड़ना है, कहां जाना है, लेकिन 5 और 9 आ रहा है 6 के साथ, इसका मतलब ही इज रेडी टू लीव द जॉब, यस।
अच्छा किसने ये क्वेश्चन लगाया था? लगाया था सर। आपका नाम क्या है? विभा सर। विभा समझ रहे हैं ना आप बेटे? जी सर। समझ आ रही है आपको? अब 12 है, अब बोलते 3, 9, 12 है, 3, 9, 12 है, ये तो छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं तो हाँ 12 भी, 3, 9 छोड़ के 12 भी बाहर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसका क्वेश्चन ऐसा है कि क्या मैं छोड़ के बाहर चला जाऊं, तो ठीक है आप जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको अपना सेंसेस के साथ एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी सैटर्न की दशा बदल रही है। हाँ जी सर। 6/10/2022 को यहाँ पे बुध की दशा आ जानी है। राइट सर। तो बुध को जरूर देख लो कि बुध क्या चाहता है। ओ अच्छा सर, अच्छा। ये क्यों, कैरियर को कोई एक दिन की बात तो होती नहीं है, ये तो जिंदगी भर का सौदा होता है बाहर जाने का, खासकर यदि बाहर का क्वेश्चन हो तो आने वाली दशा यदि साल के बाद आ रही है तो उसको जरूर देखना है कि उसको एक दिन के लिए तो जाना नहीं है। लोकल जॉब चेंज करनी हो तो कोई बात नहीं है, साल के बाद कर लो। Wants to remain in India only. वो बाहर जाना नहीं चाहता है तो और वो इंडिया में ही जॉब चेंज करना चाहता है। इंडिया में जॉब उसको मिल जाएगी, देखिए इंडिया में जॉब उसको जरूर मिल जाएगी, अभी उसके पास क्लियरिटी नहीं है लेकिन अभी हम के मैं कहां ठीक रहूंगा, लेकिन जैसे ही अब सन का प्रत्यंतर आएगा उसके पास, देखिए यहाँ पे 5, 6, 9, 11 है, 5, 6, 9, 11 सन के पास, देखो 5, 6, 9, 11 उसके पास उस समय ऑफर आएगी, क्लियरिटी आएगी, अब यदि वो उस समय चाहेगा ही कैन क्विट द जॉब, वो चेंज कर लेगा। अब कब करेगा, किस दिन करेगा, ये देखने के लिए हमें देखना है कि जैसे 5, 6, 9, 11 है या किसी के पास 5, 9 है, 5, 9, 10 है, इन ग्रहों को नोट कर लो, इनमें से कोई दो ग्रह एक दिन में इकट्ठे हो जाएंगे, विद इन 1 डिग्री इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन वो छोड़ के नई जॉब ज्वाइन कर सकता है। अब यदि पूछेगा कि क्या मुझे चेंज अच्छी रहेगी, हाँ जी सर, ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बताएंगे सर कि मतलब दो ग्रह या ये जैसे दो पॉइंट जैसे 5 और 9 इकट्ठे होंगे। देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सीधा सा फंडा है, उसमें लिखा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग घटना का होना इस बात पे तय करता है कि कोई दो दोस्त का मतलब ये जरूरी कि आपस में फ्रेंड हो, लेकिन किसी एक काम के लिए इकट्ठे हो, ठीक है ना? अच्छा मतलब दे मे बी एनिमीज अदरवाइज, दे मे और मे नॉट बी एनिमी और फ्रेंड। तो सर ये हम ट्रांजिट में देखेंगे ना? हाँ जी ट्रांजिट में। हाँ। लेकिन वो जॉब छोड़ने के और नई जॉब दिलवाने के हक में हो, चाहे वो सैटर्न और सन क्यों ना हो, चाहे वो सैटर्न और सन ही क्यों ना हो। इनमें तो सन में 10 भी आ रहा है तो स्टेटस भी अच्छा होगा उस जॉब। ऐसा है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है इसकी जॉब में क्या आ रहा है, इसकी जॉब जब ये चेंज करना चाहेगा तो फाइनेंस तो इतना बड़ा कोई गेन इसको होने वाला नहीं है, लेकिन स्टेटस जरूर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ 10-11 आ रहा है, 2-10-11 नहीं। ये कैसे देखेंगे कि जॉब आगे के लिए बढ़िया रहेगी कि नहीं? मैं वही बता रहा हूँ, इसके पास 10-11 आ रहा है, 10-11 आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा सर, तो जब तक नहीं होगा तो फाइनेंशियल गेन नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा है, उसके लिए भी हमें देखना है कब होगा, कब होगा। अब वैदिक की बात करता हूँ आपसे, कब होगा वो भी हमें देखना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। केतु इस समय 8 नंबर राशि में चल रहा है, दूसरे घर में है इसके, जब तक केतु का यहाँ पे ट्रांजिट रहेगा इसको फाइनेंस जो है वो उसकी तरक्की नहीं मिलेगी, नहीं, ठीक है, नॉट एज पर सेटिस्फेक्शन। हाँ, और जब इसका केतु यहाँ से लग्न में आ जाएगा तो क्या पता नई जॉब इस बात के लिए हो कि पहले 6 महीने तो आपको स्टेटस दे रहे हैं, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो उस समय आप देखो मंगल आगे आ रहा है, सन के बाद मून के बाद मंगल आ रहा है,
तो मार्स में उसको जंप मिल जाएगा। मेरी बात समझे? अगर ऐसा कहें कि अगर तो आपने स्टेटस चाहिए तो आप सन के टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं, अगर साथ में पैसा भी चाहिए तो आप मंगल के टाइम करके, तो दोनों ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते मंगल के टाइम के, यहाँ पे सूर्य में कंप्लीट पैकेज है आपके पास 5, 6, 9, 10, 11 का, ऐसा पैकेज किसी और के पास नहीं है। तो इसलिए जॉब तो में ऐसा आएगा में उसको ले लेना चाहिए, शुक्र ले लेना, उसको ले लेना चाहिए। ठीक है जी। तो आई आल्सो टोल्ड हिम कि तुम्हारा नवंबर में जो है यू शुड डू, तो लेकिन मेरे को नहीं, ये नहीं आप पहले ये बताओ कि ऐसे थोड़ा टुके नहीं मारने, आपने तो उसको डेट निकाल के देनी है, वो कैसे निकालनी है पहले आप सुनो, आप सुनो, देख के बोला था सर, आपने कुछ भी देख के बोला था सही, मैं जो आपको सही चाहिए कैसे देखना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सारे बंदे सुनो, अब कोई बोलेगा नहीं। सबसे पहले केतु आता है, केतु के पास देखो कि क्या चेंज ऑफ जॉब दिखाई दे रहा है, दे रहा है, देखो 5 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 10 भी है। ठीक है जी, केतु को एक तरफ लिख लो। उसके बाद आपको चाहिए कि वीनस में, मैं लेता हूं आपको ये, ये लो नमन की हॉरोस्कोप लगा दी है। अब मैं व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं। मैं यहां आपको लिख के बताता हूं, फिर समझ आएगा आपको। ठीक है ना जी। ये देखो केतु, आप लिख लो यस में, केतु के आगे लिखो केतु यस, क्योंकि इसके पास ये देखो आप 5 भी है, 6 भी है, 10 भी है। उसके बाद आप देखो वीनस, वीनस के पास कोई कंपोनेंट हमारे मतलब का नहीं है, इसलिए बोलेंगे नो। सन के पास कंप्लीट पैकेज है तो उसको बोलोगे वेरी गुड। इससे आपको ना सारा कुछ बोलना आसान हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं। अब इसके बाद हम देखेंगे मून, मून के पास 5 है, 6 है, 10 है, यस बोल देंगे। मंगल, मंगल के पास कुछ फैक्टर नहीं है, मार्स नो बोलेंगे। राहु के पास 5, 6, 10, 11 है, यस, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये भी वीक है। राहु के बाद जाएंगे बृहस्पति के पास, 5, 6, 9, 10 भी है, यस, स्ट्रॉन्ग भी है। अब देखेंगे हम सैटर्न, सैटर्न के पास 5, 6, 10, 11 है, यस। अब आएगा मरकरी, मरकरी के पास 5, 6, 9, 10 है, यस। अब आपको लेना है कि केतु, सन, राहु, जुपिटर जो स्ट्रॉन्ग है,
तो इनमें से कोई एनी टू प्लैनेट, एनी टू प्लैनेट्स या विद इन वन डिग्री एनी थ्री प्लैनेट्स विद इन वन हाउस, ये हमने ढूंढे हैं। तो आप अपनी कॉपी पे लिख लो सन केतु सन मरकरी, केतु सन राहु जुपिटर, मरकरी भी है साथ में, मरकरी भी है। पांच प्लैनेट इसको नया स्टेटस दे रहे हैं, स्ट्रॉन्गली दे रहे हैं। बाकी दो प्लैनेट वीक हैं, उनका भी सहारा लिया जा सकता है। चंद्रमा जैसे वीक है, कई बार ऐसा होता है चंद्रमा जाता जाता काम कर जाता है, हम चंद्रमा का भी सहारा लेंगे, उसको हम याद रखेंगे मुझ बनी कि चंद्रमा और शुक्र हमारे साथी हैं, यदि जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। अब हमने इधर जाना है, इस हॉरोस्कोप पे जाना है, अब यहां पे ट्रांजिट लगाना है। पहले जगह देख लेनी है कौन सी है, सन 24:11 से 9:01 तक का समय है हमारे पास, 24:11 से 9:01 तक का। इस पीरियड में 24:11 से 9:01 तक क्या कोई ऐसे हैं कि ये विद इन वन डिग्री इकट्ठे हो? अब 24:11 के पास जाने के लिए ये देखो, ये आ गया 24:11, ये देखो सन केतु मरकरी इकट्ठे बैठे हैं, सन की डिग्री 8 है, केतु की डिग्री 7 है और मरकरी की डिग्री जो है वो 5 है। और एक तो ये क्राइटेरिया है कि ये हो सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास काफी समय है, उसके लिए हम आगे चलेंगे। काफी एक कॉम्बिनेशन दोबारा बन जाता है, मून और जुपिटर हमारे कौन से हैं, मून और जुपिटर कर वीक है और ये इसके बाद इसका समय बन रहा है बड़ा अच्छा। ये मून जुपिटर आ रहा है, फिर और भी आ जाएंगे, देखो और भी प्लैनेट आए, सन आ रहा है, सन वीनस के साथ आ रहा है, सन ने सैटर्न के साथ आ जाना है, ये इसका पूरा पीरियड है बनता है। इस पीरियड में ये जरूर चेंज कर देगा, समझे मेरी बात? आपने बता दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको थ्योरी के साथ चल के बताना है, समझे मेरी बात? आज समझ आ गई आपको थ्योरी? Yes, sir. इस थ्योरी से आपने बताना है, वो आप उसके लिए अच्छा भी रहेगा। और वो बेस्ट है सर। नहीं, मैंने पहले पहले भी पहले भी कराया है, पहले भी मैंने कराया है आपको बेटे, आप भूल गए हैं। हाँ जी कराया सर। अब ऐसा सर, ये अब हाँ बोलो 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 सर, इस केस में फाइनली हम क्या बोलेंगे कि कौन सी डेट को हमने बोला था? कि मतलब दो तीन सिनेरियोस देखे थे ना अभी, देखो एक तो पहले ही आ रहा है 23-24 को शुरू हो रही है, 24-25 के आसपास ही आ रहा है, एक आगे जाके हफ्ते के बाद फिर आ रहा है, जहां ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वहां वहां डेट्स बोल दो आप कि वहां आपके पास ऑफर होगी, यू कैन चेंज। मतलब चाहे सर वीक वाले के साथ ही बने, वीक वाले के साथ थोड़ा आप बोल दो ये थोड़ा वीक है ऑप्शन, लेकिन ये दूसरा स्ट्रांग है, समझे मेरी बात? आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम करना है, मेरा ख्याल है हमें और पढ़ने के लिए, पढ़ने से ज्यादा अच्छा है हम रोज प्रैक्टिस किया करें हर पीरियड में। आपको आज का प्रैक्टिकल सेशन एक फ्यूजन एस्ट्रोलॉजी के नाम से, फ्यूजन विद द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।